दोस्तों नमस्कार, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों 27 और 28 मार्च का जो करंट अफेयर्स है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम आज देखेंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, जो रेलवे हो चाहे एसएससी हो और जो भी पुलिस हो, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब जो है करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो आप लोगों से दोस्तों सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हर अभी आपको टाइम टू टाइम मिल जाए मेरे चैनल में करंट अफेयर से लेके न्यूज़, जॉब और जो भी जो अपडेट होता रहता है, गवर्नमेंट की स्कीमें हो चाहे कुछ भी जो नया हो वो मैं डालता रहता हूँ, उसका अपडेट मिलता है। तो चलो दोस्तों ज़्यादा टाइम लेते हो, शुरू करते हैं आज का करंट 27 और 28 मार्च का करंट अफेयर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत की एंटी सेटेलाइट मिसाइल ए सेट प्रणाली परीक्षण से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। इसके जो ऑप्शन है, इसका परीक्षण आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से किया गया, और जो इसका दो ऑप्शन है वो है, जिस मिसाइल ने उपग्रह को नष्ट किया वहाँ 3 चरणों वाली थी और इसका विकास डीआरडीओ ने किया था। नंबर 3 ऑप्शन है इसके, भारत की एंटी सेटेलाइट मिसाइल ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित उपग्रह को निशाना बनाया, और जो 4 ऑप्शन इसका, एंटी सेटेलाइट मिसाइल प्रणाली का परीक्षण करने वाला भारत विश्व का 4था देश बन गया है। तो इनके ऑप्शनों पे विचार किया जाए दोस्तों, तो जो इसका जो ऑप्शन बी है, इसमें 2, 3 और 4 ये इसके सही आंसर है। जिस मिसाइल ने उपग्रह को नष्ट किया वहाँ 3 चरणों वाली थी, इसका विकास डीआरडीओ ने किया, ये सही है इसका। उसके अलावा भारत की एंटी मिसाइल ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित उपग्रह को निशाना बनाया, जो लियो है, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसको निशाना बनाया उसने, तो वो भी सही बात है। 4था जो ऑप्शन है इसका, एंटी सेटेलाइट मिसाइल प्रणाली का परीक्षण करने वाला भारत विश्व का 4था देश बन गया, तो बिल्कुल सही है, 4था देश बन गया है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा एंड सेटेलाइट मिसाइल मिशन शक्ति के सफल परीक्षण घोषणा की। डीआरडीओ द्वारा विकसित 3 चरण वाली इंटरसेट मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इसके तहत पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित मिसाइल को निशाना बनाया गया। इस तरह की क्षमता रखने वाला भारत विश्व का 4था देश बन गया। भारत के अलावा अमेरिका, रूस, चीन के पास भी ये जो क्षमता है उनके पास भी, और भारत जो है 4था देश बन गया। एंटी सेटेलाइट हथियार वस्तु और मिसाइल आधारित प्रणाली है जो गतिमान उपग्रह को अपना निशाना बनाती है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूरिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, और इसका जो सही आंसर वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है ट्यूरिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि भारत ने 27 मार्च 2019 को किस एंटी सेटेलाइट मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मिशन शक्ति उसका नाम है, जो भारत ने जो है एंटी सेटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोएकास्टिक जो हाल में खबरों में रहा है क्या है, तो इसका जो सही आंसर है जानवरों की आवाज़ उत्पत्ति का अध्ययन। बायोकास्टिक को जो है जानवरों की आवाज़ उत्पत्ति का अध्ययन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र शक्ति 6 से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर दोस्तों 1, 2 और 3, इसके सही जो तीनों कथन है वो सही है। यहाँ भारत एवं श्रीलंका की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ, सही है, यहाँ श्रीलंका के बादुआ में आयोजित हुआ, और इस अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने किया। ये तीनों आंसर इसके मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं, तो जो इसका सही आंसर वो है डी, मिशन शक्ति 6 जो है इससे रिलेटेड है, जो मैंने तीनों ऑप्शन बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी देर में हमने इससे पहले ही क्वेश्चन देखा था इससे रिलेटेड हाल ही में खबरों में रहा, रॉबेन वॉयस एकास्टिक्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस में होता है, तो यह है जानवर आवाज़ पूर्वानुमान में, जानवरों की आवाज़ पूर्वानुमान में इसका उपयोग किया जाता है, तो जो सही आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 27 मार्च 2019 को किस देश के साथ स्टार्टअप सहयोग पर MOU को मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है भारत ने जो मेमोरेंडम ऑफ एक समझौता होता है, MOU बोलते हैं उसको, तो उसके दक्षिण कोरिया के साथ भारत ने जो है एक MOU को जो है साइन किए, उस पर उसको मंजूरी दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह 26 मार्च 2019 को परंपरागत फाग फेस्टिवल आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, रामपुर हिमाचल प्रदेश में जो है 26 मार्च 2019 को परंपरागत फाग फेस्टिवल का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजाली असो उमानी किस देश के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं, ने पुनः बने हैं? तो जो सही आंसर है इसका कोमोरोस, कोमोरोस के जो राष्ट्रपति है वो अजाली असोमानी बने हैं और जो दोबारा निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में यूरोपीय संघ अनुच्छेद 13 चर्चा रहे में रहा, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कॉपीराइट से, कॉपीराइट जो है का संबंध जो है यूरोपीय संघ का अनुच्छेद 13 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की वर्ष 2018 में ऊर्जा उपभोग कार्बन उत्सर्जन रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इसके जो कथन है दोस्तों, 2018 में ऊर्जा से जुड़े वैश्विक कार्बन उत्सर्जन 1.7% की वृद्धि हासिल की। वर्ष 2018 में ऊर्जा से जुड़े भारत में कार्बन उत्सर्जन में 4.8% की वृद्धि हुई। वर्ष 2018 में ऊर्जा से जुड़े कार्बन उत्सर्जन में 70% से अधिक विशुद्ध वृद्धि के लिए यूएस, चीन और भारत उत्तरदायी था। तो इसके जो सही आंसर है दोस्तों, इसको तीनों सही, जो उत्तर जो इसका ऑप्शन डी है यानी 1, 2 और 3 सही आंसर इसके, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जो है उत्सर्जन 1.7% की वृद्धि हुई कार्बन उत्सर्जन में। दूसरा जो इसका ऑप्शन है, दूसरा जो है भारत में कार्बन उत्सर्जन में 4.8 की वृद्धि हुई, और तीसरा जो है 2018 में है कार्बन उत्सर्जन में 70% असित विशुद्ध वृद्धि के लिए यूएस, चीन और भारत उत्तरदायी है। ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वांटम लीप फॉर जेंडर फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ वर्क फॉर ऑल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती? तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो ए क्वांटम लीप फॉर जेंडर फॉर ए बेटर फ्यूचर ऑफ वर्क फॉर ऑल रिपोर्ट पेश करती है, तो उसने जारी की है रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति ने श्री रामनाथ कोविंद को सर्वोच्च सम्मान ग्रांड ऑनर ऑफ कंज तोमिस्लावा विथ सास एंड ग्रांड स्टार से सम्मानित किया है? तो जो इसका सही आंसर ये है क्रोएशिया, क्रोएशिया के राष्ट्रपति ने, हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी को ये पुरस्कार दिया है, और ये दिया है आपसी सहयोग के लिए, आपसी दोनों देशों के सहयोग के को बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्रपति ने जिन्हें काम किया है उसके लिए उनको ये सहयोग दिया गया है। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर दोस्तों पीटर ताबिची को जो है गणित एवं भौतिकी के शिक्षक पीटर ताबिची जो कि केन्या के हैं, वर्ष 2019 का ग्लोबी टीचर प्राइज प्रदान किया गया उन्हें पुरस्कार के रूप में, $1 मिलियन की राशि दी। दुबई में आयोजित समारोह में उन्हें राशि प्रदान की गई। ताबिची अपने मासिक वेतन का 80% गरीबों को दान में देते हैं, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये, और हम चाहते हैं कि इनको और भी पुरस्कार मिले जिस तरह से इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस जगह भारतीय नौसेना नाभिकीय जैविक एवं रासायनिक प्रशिक्षण केंद्र अबेध का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर जो है वो है INS शिवाजी महाराष्ट्र में, जो है INS शिवाजी महाराष्ट्र जो जहाँ पे है वहाँ पे जो है भारतीय नौसेना का नाभिकीय जैविक एवं रासायनिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसने, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, 25 मार्च 2019 को नई दिल्ली में फिनटेक टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर है नीति आयोग, नीति आयोग ने जो है 25 मार्च 2019 को नई दिल्ली में फिनटेक टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। दोस्तों इसके साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।